ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला अपने दो बेटों की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली। इस हत्या से सनसनी फैल गई थी पूरे इलाके में। पुलिस ने महिला के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय सीताबेन का विवाह गुजरात के भुज निवासी राजेश बबविया से 7 साल पहले हुआ था और इस दंपत्ति को दो बेटे थे, लक्ष्य 3 वर्ष और रुद्र 4 वर्ष। राजेश भुज में ही गैरेज का काम करता था और पत्नी बच्चों के साथ ही रहता था, मगर आरोप है कि राजेश अपनी पत्नी सीताबेन को आए दिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था, जिसकी वजह से तंग आकर सीताबेन ने पुलिस में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। और 1 महीने पहले ही भुज से सीताबेन दोनों बेटों के साथ ठाणे के घोड़ बंदर के वाहवील स्थित ग्रीन एकर्स इमारत में रहने के लिए अपने भाई महेश पटेल के घर आई थी, मगर जब घर में अकेली थी तभी अपने दोनों बेटों को घर के सीलिंग से पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर अपने दोनों बेटों की हत्या कर दी और दूसरे कमरे में सीलिंग पंखे से खुद लटक कर आत्महत्या कर ली। सीताबेन के भाई महेश पटेल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस गुजराती भाषा में लिखे सुसाइड नोट के आधार पर अब ससुराल वालों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।